हेलो माय डियर लर्नर्स, सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। पेंडेमिक का टाइम है और सब जो है घर पे ही हैं, आराम कर रहे होंगे, सेफ होंगे। ओके, और हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसके लिए मैं अपना काम जो है वो लगातार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप घर पे बैठ के जो है अपनी 10th क्लास की, जो कि बोर्ड की एजुकेशन है आपकी और बोर्ड की एग्ज़ाम्स आपके होने, तो उसकी तैयारी आप घर पर बैठ के कर सको, उसके लिए आपको ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो पहले भेजा था, ये हम क्विक रिवीजन जो है वो वीडियोस बनाई है मैंने, दो एक्चुअली टू पार्ट किए मैंने। आपका चैप्टर नंबर 6 जो है लाइव प्रोसेसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट ऑलरेडी आपको मैंने अपलोड किया था और आप सभी ने देख लिया होगा। ऑलराइट, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। इसमें भी मैं आपको पूरा चीज़ें सारी एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन हम अगर आप चाहते हो कि आप अपने चैप्टर को जो है वो एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करना चाहते हो, तो यू जस्ट आप मान के चलिए 1 या 1.5 आवर्स के अंदर आप ये पूरे का पूरा चैप्टर थोरोली अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। एंड इसमें आपको नोट्स के साथ सारी डिटेल भी अवेलेबल हो रही है। तो लेट्स कॉन्टिन्यू, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो सिखाया था वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी हमने पढ़ा था, और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की जाएगी। ओके, तो अब इसमें है क्या ये इस सिस्टम? कुल मिला के हमें लगभग 4 या 5 अकॉर्डिंग टू NCERT जितना भी हमारा सिलेबस बनता है वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ आपको। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज आपको बताना शुरू करता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे हो, ऑलराइट? इसमें जो है वो पूरे का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाया गया है पिक्चोरियल फॉर्म में। सो सबसे ऊपर आपको जो है वो नेजियल कैविटी का एक लेबलिंग मिलेगा, फिर उसके बाद नोज आता है, ऑलराइट? फैरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, और बेस में नीचे होता है जो लंग्स को सपोर्ट करता है वो है डायफ्राम एक्चुअली। और डायफ्राम का फंक्शन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ। डायफ्राम जो है वो स्टमक को लंग से सेपरेट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम पे डायफ्राम ही है जो सरफेस एरिया क्रिएट करता है या फिर एयर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो सांस को अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं, और सांस बाहर छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो स्टेटमेंट हमारे पास जो नोट्स है उसको समझाते हुए, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज, यानी कि ऑक्सीजन रिच जो एयर हम इनहेल करते हैं, जो सांस हम अंदर लेते हैं, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 होती है, जबकि ऑक्सीजन 21% होती है। सो द एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर प्रेजेंट इन द नोज। अगर हम नोज को अंदर से डिटेल में समझने की कोशिश करें तो नोज के अंदर, नाक के अंदर बाल होते हैं। अब अक्सर हमें ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है या बाल अंदर क्यों है, तो उसका पॉइंट भी आप समझ लीजिए। इसका जो सीधा सा मकसद होता है वो ये होता है कि एक फिल्टर का काम करते हैं। दे आर जस्ट फिल्टरिंग द एयर, एयर को फिल्टर करते हैं। सो एयर जब पास थ्रू होती है किस में से? नोज में से, ठीक है? तो वहाँ पे वो जो हेयर होते हैं जो चारों तरफ, वो एयर को फिल्टर करते हैं ताकि उसमें मौजूद अगर कोई माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है या फिर धूल मिट्टी है, तो वो आपके लंग्स तक ना पहुँचे और आपके लंग्स में एक प्योर और फिल्टर्ड एयर पहुंच पाए, यही इसका मकसद रहता है। ऑलराइट, सो ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। सो इन लंग्स एयर पासेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीचेज द एल्वियोलाई। जो एयर है जब नेजल कैविटी के थ्रू अंदर लेते हैं तो वहां पे दो काम होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, जो कि नोज के अंदर मौजूद जो हेयर होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा नोज के अंदर एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस।
और ये म्यूकस जो है स्टिकी टाइप का होता है, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी या माइक्रोब्स है उस पर स्टिक हो जाए और लंग्स तक ना जाए, क्योंकि लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, और अगर लंग्स में ऐसे हार्मफुल माइक्रोब एंटर करेंगे तो हमें बीमार कर सकते हैं, निमोनिया कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अब लंग्स के अंदर, इन लंग्स में क्या होगा, द एयर पासिस डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीचेज द एल्वियोलाई। एयर जो है वो फिर आगे जाके विंड पाइप से एंटर करती है। विंड पाइप से जाने के बाद आप देखिए, विंड पाइप के बाद ये एक ट्रैकिया आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी पिक्चर पे, राइट हैंड साइड में देखिए ट्रैकिया, ये एक तरीके का स्पेशल टाइप की एक विंड पाइप है जिसके थ्रू एयर एंटर कर रही है नोज से फिल्टर होने के बाद। ऑलराइट, तो नोज के अंदर दो काम हुए, पहला हुआ फिल्ट्रेशन और दूसरा हुआ मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चर ऐड हो जाता है उसके अंदर, राइट। फिर वो आगे जाएगा ट्रेकिया से होता हुआ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है दो लंग्स के अंदर, लेफ्ट लंग और राइट लंग के अंदर। आगे जाके ये ब्रोंकाई जो है और भी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और फिर वो ब्रोंकियोल्स फाइनली अल्टीमेटली आगे जाके बहुत ही फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और वो छोटी छोटी जो ब्रांचेज है वो फिर आप एक और पिक देख पा रहे हो, ठीक है, जो कि बलून जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्रेप्स के बंच होते हैं वैसे, इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। So they are the alveoli. And alveoli क्या होते हैं? Alveoli is the site inside the lungs where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. तो air जब alveoli तक पहुंचती है तो वो alveoli के अंदर मौजूद जो hemoglobin है, ठीक है, किसके अंदर, blood के अंदर, that's why the color of the blood is red. वो hemoglobin oxygen को trap करता है, bind up करता है अपने साथ, और बदले में carbon dioxide को बाहर release करता है। तो जितनी O2 अंदर जा रही है उतनी CO2 भी release हो रही है, तो वो CO2 lungs में आ जाती है, और फिर जब हम breathe out करते हैं तो वो carbon dioxide body से बाहर निकल जाती है। And this is how, ये जो process फिलहाल अभी तक मैंने आपको बताई, ये रेस्पिरेशन नहीं है, दिस इज फिजिकल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट वॉट वी कॉल ब्रीदिंग प्रोसेस, ये ब्रीदिंग प्रोसेस है। ऑलराइट, एल्वियोलाई क्या होती है, उनका क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है और उनका क्या रोल होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली बनते हैं। सो एल्वियोलाई, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। अब जो कि आप डायग्राम में देखेंगे, तो डायग्राम में आपको जो है चीजें दिखाई दे रही है, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इफ यू जस्ट लुक एट देयर, ठीक है, तो आप यहां पे एक खास चीज देख पा रहे हो एल्वियोलाई के अंदर, मैं ये स्क्रीन हटा देता हूं, यस नाउ, सो ये ध्यान से देखिए, दे आर स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये हमें यहां पे दिखाई दे रहे पिक्चर में, बट एक्चुअल में इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कि इन्हें हम अगर अब लंग्स को अंदर से काट के देखें तो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड देम एक्चुअली ओवर देयर, बिकॉज ये बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, और ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। आपको अगर आप एनसीईआरटी में बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा हुआ एक फैक्ट फाइल दे रखी है अलग से येलो बॉक्स में, जिसमें बताया गया है कि ये जो एल्वियोलाई है ये इतना बड़ा सरफेस एरिया है कि अगर इनको इकट्ठा करके खोल दिया जाए तो ये 80 स्क्वायर मीटर का एरिया बनाता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मोर एंड मोर सरफेस एरिया डेवलप करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्सअप होके हमारी बॉडी को मिल सके, जहां से हमें एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, यहां पे इस चीज को थोड़ा सा और बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं, द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द हीमोग्लोबिन। अब मैंने आपको बताया कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां से अंदर ली हमने, वी इनहेल इट थ्रू द नोजल, जो नेजल कैविटी आपकी है वहां से ली, वहां पे फिल्टर हुई, फिल्टर किसके थ्रू हुई, एयर है, वहां पे छोटे छोटे बाल है, हेयर है, इसके अलावा म्यूकस है, तो म्यूकस ने जो भी डस्ट पार्टिकल थे, बैक्टीरिया थे, वो स्टिक हो गए हेयर के अंदर, और एयर हमारी फिल्टर होके कहां गई, पीछे नेजल कैविटी में गई। नेजल कैविटी जो है वो क्या होती है, वो खाली जगह है जहां पे एयर क्या होती है, मॉइस्चराइज होती है, ताकि वो एयर जो है जब लंग्स में पहुंचे तो किसी भी तरीके से हमें कोई हार्म ना करे। आपने एक चीज अक्सर देखी होगी कि जब आप लोग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या मे बी आप कहीं बैठे हो, तो बाइक या स्कूटी में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज हवा हमें जो है स्टक करती है, और वो तेज हवा जो है कई बार बिना फिल्टर हुए सीधी आपके इनहेल होके आपके लंग्स तक पहुंच जाती है, और उसकी वजह से आपको जुकाम या इस तरीके का कोल्ड जैसी फीलिंग आती है। दैट इज बिकॉज कि वहां पे वो फिल्टर नहीं हुई, मॉइस्चराइज नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो कि एयर का फिल्टर होना और एयर का मॉइस्चराइज होना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्रिक्वेंटली हम जो है वो कोल्ड और जुकाम जैसी प्रॉब्लम से ग्रस्त रहेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। अब वहां से वो विंड पाइप में गई एयर, एयर विंड पाइप से जाने के बाद कहां गई, ट्रैकिया।
ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेजिनियस रिंग से बना होता है ताकि वो कोलैप्स ना करे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कार्टिलेज जो फॉर्म होती है विंड पाइप के अंदर वो क्यों होती है रिंग जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कि कोलैप्स होके वो दब ना जाए और हमारी सांस ना घुटने लगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐसा बनाया गया है, एक्चुअली बनाया नहीं गया, नेचर ने उसे ऐसे डेवलप किया है। सो ऑक्सीजन, अब यहां पर इस पॉइंट पे आते हैं, लुक एट योर स्क्रीन राइट नाउ, द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये आजकल एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बनाना है जितना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बट एक इस तरीके का एक आउटलाइन स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि आप उसे ड्रॉ कर सको। और इसमें जो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है ये वो ब्लड है बेटा, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का लेबल ज्यादा है, और जो ब्लू कलर की आपको जो दिखाई दे रहा है ये वो पार्ट है जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इन एल्वियोलाई से बाहर निकलने वाली है और ऑक्सीजन ये ट्रैप कर रही है। तो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस, वेयर एग्जैक्टली इन द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई कहां होती है, लंग्स के अंदर जो पूरा सरफेस है वो एल्वियोलाई से ही कवर्ड होता है। एंड एज आई टोल्ड यू लगभग 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बनेगा अगर ये सारी एल्वियोलाई को हम एक स्क्वायर के फॉर्म में इकट्ठी कर ले तो। सो द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीज इट इन टू द एल्वियोलाई। अब जो ब्लड है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है जो पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर वापस लंग्स में आया था, क्योंकि हार्ट में जब ब्लड आता है तो ब्लड उसे पंप करके कहां भेजता है हार्ट उसे, ठीक है, वो आता है लंग्स में। लंग्स में उसमें से सारी CO2 बाहर निकलती है और उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड ले लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे ट्रैप करता है वो हेमोग्लोबिन की मदद से, जिसकी वजह से वो रेड कलर होता है, राइट। और उसके बाद ये ब्लड वापस जाता है हार्ट में। आगे हम इस पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, तो वहां पे आपको मैं इस पूरी चीज को और डिटेल में समझाने वाला हूं, राइट। सो यहां पे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो लंग्स के किस हिस्से में होता है। अब इफ वी कंसिडर मोर, तो प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। अभी मे बी आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ये पढ़ा था कि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस दे डू, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन उन्हें भी चाहिए होती है। अब क्यों चाहिए होती है भाई ऑक्सीजन, उनको क्या जरूरत है ऑक्सीजन की, तो आप सोचिए प्लांट भी क्या है, लिविंग है। अब अगर वो लिविंग है तो सिंपल सी बात है वो भी फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम ये टर्म कम सुनते हैं कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है ना प्लांट के अंदर, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करते हैं, ऑलराइट। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है जो कि फूड होता है उसका, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब जितनी ऑक्सीजन उन्हें उस टाइम पे एट ए टाइम अपने रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो वहीं से अवेलेबल होती है। बट रात के टाइम पे अक्सर ये एक मिथ है, ठीक है, विलेज में गांव में अगर आप जाओगे तो लोग आपको या आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताएंगे कि रात के समय आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा कहा जाता है, तो उसका बड़ा सीधा सा लॉजिक है, और लॉजिक यही, आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो ये है बेटा, ठीक है, कि रात के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते ना, देयर इज नो सनलाइट तो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो रात के टाइम में एट द नाइट या व्हेन देयर इज नो सनलाइट, सो प्लांट क्या करते हैं, जो फूड उन्होंने अपना प्रिपेयर किया था ग्लूकोज के फॉर्म में उसे वो यूटिलाइज करते हैं, मतलब उससे वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके अंदर भी सेल ग्रो करें, फ्रूट्स आए, फ्लावर्स आए, प्लांट की हाइट बढ़े एंड सो ऑन। तो एनर्जी से ही तो ये सारी चीजें होगी। अब रात के टाइम में वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करना शुरू करते हैं, ऑलराइट। इसीलिए जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन जो है ट्रैप करना शुरू करते हैं, तो जब ऐसा होता है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे वो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन में तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए उस टाइम पे उन पेड़ पौधों के आसपास CO2 का लेवल ज्यादा होता है एयर के अंदर और ऑक्सीजन का कम होता है। तो अगर आप उसके नीचे रात को खाट लगा के सो रहे हो या आराम कर रहे हो तो मे बी आपको जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, बिकॉज वहां पे आपको ऑक्सीजन की मात्रा सफिशियंट नहीं मिलेगी, ओके। तो ये है स्टोरी लाइन जिसको आपको समझना चाहिए था। अब यहां पे जो हमारा नोट्स फॉर्मेट है वो ये है कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स। तो गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट के अंदर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा कहां होते हैं, अगर आप लीफ देखो तो लीफ के दो हिस्से होते हैं, एक अपर होता है और एक लोअर होता है। जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, अपर सरफेस वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड
ठीक है, फ्रंटल पार्ट, और उसके नीचे वाला जो है वो हाइंडर पार्ट या बॉटम लाइन कह सकते हो उसकी, राइट। तो स्टोमेटा हमेशा लोअर रीजन में होते हैं, लीफ के ऊपर की तरफ नहीं होते। जो सरफेस आप देख पाते हो लीफ का, वो जो ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है उसमें नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक वैक्सी कोटिंग ज़्यादा होती है, जिसको आगे जाके डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा कि वैक्सी कोटिंग क्या होती है। वो एक तरीके की जो है वो क्यूटिकल होती है उसमें, और वो इसलिए होती है ताकि पानी, वाटर या कोई भी चीज़ लीफ के अंदर डायरेक्टली एंटर ना करे। और धूल मिट्टी से ऊपर अगर सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा होंगे तो ब्लॉक भी हो जाएंगे, इसीलिए नीचे की तरफ होते हैं। जैसे अगर आप अपना हाथ देखें तो जिस साइड से अंदर की तरफ से आप चीज़ों को पकड़ते हो, ये समझ लियो लीफ का, ठीक है, लोअर पोर्शन है, और जो हाथ के ऊपर है जिधर नेल्स आपके नज़र आते हैं वो अपर है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि लीफ भी कुछ ऐसे ही है। तो जो लोअर पोर्शन है उसमें लीफ में जो स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से उसका ग्रीन कलर वहाँ पे हल्का मिलेगा, जबकि ऊपर की तरफ सनलाइट रिसीव करनी होती है तो ग्रीन कलर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, और वो ज़्यादा क्लोरोफिल क्या करता है, ज़्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप करके जल्दी से और अच्छी प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस की कैरी आउट करता है। एक और टर्म आपको देखने को मिल रही है, लेंटी सेल्स इन द स्टेम। स्टेम के अंदर लेंटी सेल्स भी होती है। लेंटी सेल्स क्या होते हैं? कुछ ग्रीन प्लांट या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम के ऊपर छोटे 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 आपको डॉट से मिलेंगे। कभी ध्यान से अगर आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करोगे तो स्टेम के ऊपर आपको छोटे 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 ब्राउन कलर के डॉट से मिलेंगे, उनको बोलते हैं लेंटी सेल्स। लेंटी सेल भी एक तरीके के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, चाहे वो वाटर को एक्सचेंज करना हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना हो, उसमें हेल्प करते हैं। सरफेस ऑफ द रूट, रूट के जो सरफेस होते हैं उनके अंदर भी ब्रीदिंग, इसीलिए रूट को जो गमले आपके घरों में उनकी मिट्टी हमें टाइम टू टाइम हर 10-15 दिनों में जो है खोदनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूट्स को क्या चाहिए, एयर चाहिए, वो भी ब्रीद करते हैं तभी वो जिंदा रह पाते हैं। अगर आप पानी भर दोगे पूरे का पूरा गमले के अंदर तो प्लांट के रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बिकॉज वो रूट्स के जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे और हमारा जो प्लांट है वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद द ग्लूकोज टू क्रिएट द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट भी वही काम कर रहे हैं जो ह्यूमन बींग करता है, वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है, अपने ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जिसे वो बाहर रिलीज कर रहे हैं, और वाटर और एनर्जी, एनर्जी उनको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बाय प्रोडक्ट है जो बाहर निकालते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि रात के समय अगर आप बड़े पेड़ के नीचे सोते हो तो हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत हो। ऐसा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस सिर्फ ये कि ऑक्सीजन की जो वहाँ पे मात्रा है, ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली लो होता है। एक डायग्राम आपको ट्री के साथ जो है साथ में जो दिखाई दे रहा है वो स्टोमेटा का डायग्राम है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए, जो बीच में आपको सेंटर दिखाई दे रहा है जो शिव की आँख की तरह, तीसरा जो नेत्र है उनका उनकी तरह नजर आ रहा है, वो जो है उसे ये कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग है ये। और जो येलो कलर के आपको जो है दो बीन शेप के साइड में इसमें नजर आ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल, दे आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स, उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। और उसमें छोटे छोटे जो डॉट्स है वो क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। और नीचे से आपको दिखा रखिए कि रेस्पिरेशन जो है प्लांट के अंदर होता है तो उसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द प्लांट when generally at the night time when there is no sunlight and carbon dioxide water and energy is going to be produced by the plant for the you know survival, और इस तरीके से जो plant है वो grow करता है, ठीक है। glucose का chemical formula हम पिछले उसमें discuss कर चुके हैं, C6H12O6 होता है, alright, so this is how you need to know। अब हमने अभी तक life processes की दो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली, न्यूट्रिशन जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा स्टडी किया, रेस्पिरेशन जिसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का पूरा डिटेल डायग्राम एंड एवरीथिंग और उसके फंक्शन को डिटेल में स्टडी किया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, विल जस्ट टॉक अबाउट द यू नो हार्ट, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है। और आपको एक चीज बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर जब एक बेबी, ठीक है, माँ के पेट में पनपता है, इन द वेरी बिगिनिंग आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट सेल होती है किसी भी लिविंग की, उसे हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो जायगोट जो है दूसरे, तीसरे या चौथे हफ्ते के बीच में सबसे पहला ऑर्गन जो वर्किंग स्टार्ट करना शुरू करता है वो हार्ट होता है। और हार्ट जो है, सोच के देखिए कि यू नो जब हमारा स्टार्टिंग होती है तब से वो वर्किंग करता है और जब तक हम सर्वाइव करते हैं तब तक वो लगातार काम करता है, क्योंकि अगर हार्ट रुक गया तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सब कुछ, हमारा संसार रुक जाएगा। इसलिए
हार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है और हार्ट में जो स्पेशल मसल्स होती है उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, यू नो दे आर द टफेस्ट मसल्स इन द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी जिनमें हार्ट है तो सबसे टफ और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो हार्ट की मसल्स होती है और उनका एक नाम है, उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ के अंदर अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ठीक है टिश्यू, तो उसके अंदर कार्डियक मसल्स का पूरा डिटेल आपको बताया गया है राइट। और अब अगला टॉपिक हमारा इसी से और लास्ट हमारा एक्सक्रीशन का होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरे का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या होता है, हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है, इसके अलावा हार्ट के अलावा इसके और सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्लड वेसल्स होती है, तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हम देखेंगे, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ऑलराइट, एक फ्लूइड जो है वो मैट्रिक्स टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड। ब्लड के अंदर भी सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें वी हैव टू गो थ्रू इट। अब क्योंकि मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूं ये रिवीजन के लिए बना रहा हूं तो मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूं, लेकिन हर एक चीज का मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। लेकिन जब मैं सीरीज शुरू करूंगा आपको 10th क्लास की पूरी चैप्टर की, तो उसमें काफी सारे लेक्चर बनेंगे और उसमें हर लेक्चर के अंदर मैं हर छोटी छोटी चीज को इंक्लूड करूंगा। खास करके वो वीडियोज उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो बच्चे चाहते हैं कि 95 प्लस मार्क्स उनके एग्जाम में आए। ऑलराइट, और दूसरी चीज है जो आगे जाके मेडिकल लाइन को अपना जो है वो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो लेक्चर, बिकॉज मैं वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। अब ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहले हमारी एक डेफिनेशन बन सकती है, तो क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना। आपने यू नो जनरली सुना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, तो मतलब लोग जो है बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, मेट्रो के थ्रू या अपने यू नो अपने खुद के व्हीकल्स के थ्रू चीज इधर से उधर जाते हैं या सामान ले जाते हैं, तो आम भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होता है। क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं उस फूड को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना, वहां पे जो वेस्ट बन रहा है उसको वापस लाके बाहर निकालना, ठीक है। और ये जो काम करता है इसके लिए सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे बोलते हैं यू नो सर्कुलेटरी सिस्टम, वी कॉल्ड इट सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या चीज इंक्लूड है, इसमें ह्यूमन हार्ट है अगर हम ह्यूमन की बात करें, अदरवाइज जो भी एनिमल है उसका हार्ट है, ठीक है। ब्लड वेसल से जो ब्लड को लेके जा रही है उसी ब्लड के अंदर फूड भी है। हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में जब देखा था तो हमने देखा था कि फूड जब डाइजेस्ट कंप्लीट डाइजेस्ट होता है तो एल्वियोलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे एब्जॉर्ब करके कहां भेजती है, ब्लड में, और ब्लड उसे कहां भेजता है, हार्ट, और हार्ट से पंप होकर पूरा ब्लड बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है पूरे का पूरा। उसी के बारे में जो एसिमिलेशन प्रोसेस है वो असल में यहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में जो यहां पे स्टेटमेंट है फर्स्ट मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड नाइन्थ में टिश्यू नाम का एक चैप्टर है जो चैप्टर नंबर आई थिंक 3 या 4 है, उसमें ये पूरा डिटेल है और होपफुली आपने वो सब पढ़ा होगा बिकॉज आप 9th क्लियर करके आगे आए हो। नहीं पढ़ा होगा तो आई थिंक आपको वो चीज दोबारा देखनी होगी, नहीं तो मेरे 9th क्लास की जो साइंस की वीडियोज है आप वहां पे इस चीज को जो है वो देख सकते हो। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन एंड इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दैट ऑफ दोज सेम सेल। कहने का मतलब है कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म में, कनेक्टिव मतलब जो पूरे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है ठीक है उनको एक तरीके से कनेक्ट करता है, ऑर्गन को कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। और ये हमारे अंदर जो है रेड कलर का होता है, इसका फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी जरूरी सब्सटेंसेस, ठीक है, कौन कौन से, फूड है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो बॉडी को चाहिए और सेल के अंदर वो पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ब्लड में ही वो चीज लिक्विड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और सेल्स तक पहुंचती है, बिकॉज सेल सिर्फ लिक्विड फॉर्म को ही एक्सेप्ट करती है, सॉलिड फॉर्म में कोई चीज सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और जो वेस्ट सेल्स में प्रोड्यूस होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है या कोई और वेस्ट जो लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है उसे भी बाहर निकालने का काम, कार्बोनेट जैसे वेस्ट हो सकता है उसे बाहर निकालने का काम भी यही ब्लड करता है, इसी में वो वापस आता है। और फिर वो कहां जाता है, ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए किडनी के अंदर, जो अगला लास्ट हमारा जो सिस्टम रहने वाला है वो यही है, ठीक है। तो उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं बिकॉज उसका मेन फंक्शन ही वेस्ट को एक्सक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो मेन कंपोनेंट ब्लड के अगर देखें तो क्या क्या है, पहले तो ये कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट या मेन ऑर्गन क्या है, फर्स्ट जो प्राइमरी ऑर्गन है वो है हार्ट, दूसरे नंबर पे आएगा ब्लड वेसल जो कि तीन टाइप की होती है, ठीक है, आपकी जो है तीन टाइप की ब्लड वेसल्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें आर्टरीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ O2 रिच ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा वेन्स होती है, वेन्स का फंक्शन होता है ब्लड को बॉडी से वापस लाना जिसमें CO2 रिच ब्लड ज्यादातर होता है, एक्सेप्ट इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको मिलने वाला है वो है
पल्मरी वेन। और ये पल्मरी आर्टरी और पल्मरी वेन क्या होती है? पल्मरी आर्टरी वो है जब हार्ट से ब्लड, बॉडी से ब्लड वापस आया हार्ट में, हार्ट में वो जो ब्लड आया वो कैसा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, CO2 को बाहर निकालना है। इसका मतलब वो ब्लड कहां भेजा जाएगा? लंग्स में। तो लंग्स में जब वो ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, तो लंग्स में जब उस ब्लड को पहुंचाया जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है, वहां पे जो आर्टरी काम करती है उसको बोलते हैं पल्मरी आर्टरी। तो वहां पे जो ब्लड पंप कर रही है वो, ठीक है, वो कैसी किस तरीके की है, दैट इज व्हाट वी कॉल द, उनको पल्मरी आर्टरी कहा जाता है, राइट। और जो वेन्स वापस O2 रिच ब्लड लेके आ रही है उनको पल्मरी वेन्स कहा जाता है। तो ये एक्सेप्शनल वर्क है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। सो जो मैं आपको अभी बता रहा था वो सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्लियर रहने चाहिए माइंड के, बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। आज के टाइम में आपको पता है कि एग्जाम का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, एग्जाम किस तरीके से आते हैं उसका एक जो सिस्टमेटिक है उसका जो पूरे का पूरा फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो चुका है। और यहाँ पे जो आइडिया है गवर्नमेंट का या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन से, उनका लॉजिक यही होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का जो नॉलेज है, उनके जो लॉजिक्स है, ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो किस लेवल की है। तो क्वेश्चंस आपको वो कहीं से भी घुमा फिरा के आपके लिए देते हैं। तो आइडिया ये है कि आपने चीज़ों को क्रैम नहीं करना है, आपने चीज़ों को सीखना है एक स्टोरी लाइन की तरह। उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर है उन कैरेक्टर का नाम ही यहाँ पे पॉइंट्स, जैसे प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स, ये समझ लीजिए ये कैरेक्टर है। और हर कैरेक्टर का कोई फंक्शन है, वो कहाँ पे है, कैसे, उसका एक पिक्चर माइंड में रखने की आपको जरूरत होनी चाहिए। सो मेन कंपोनेंट अब ब्लड के बारे में बताता हूं बेटा क्या क्या होते हैं। सो प्लाज्मा इज द फर्स्ट कंपोनेंट। प्लाज्मा जो है येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो आप लिखोगे येलोइश कलर फ्लूइड, ऑलराइट, दैट प्रोवाइड द लिक्विड मीडियम टू द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। एंड इसमें क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड, जो भी फूड है वो ब्लड के थ्रू जा रहा है, लेकिन वहां लिक्विड मीडियम क्या है, प्लाज्मा है, ऑलराइट। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को, जितने भी वेस्ट बॉडी के अंदर बनते हैं सेल में या टिश्यू में, उनको वापस लाना, भेजना, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाना, ये सब प्लाज्मा के थ्रू होता है। और ये प्लाज्मा जो है इट्स ए पार्ट ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड को लें, मान लो हमने 100 ग्राम ब्लड लिया, तो 100 ग्राम में से 90 ग्राम जो पार्ट निकलेगा वो प्लाज्मा निकलेगा, और 10 ग्राम जो बचेगा आपके पास वो कौन सा होगा, ठीक है, दैट विल बी रेस्ट ऑफ द थिंग, जिसमें आपका जो है प्लेटलेट्स है, RBC, WBC और बाकी कंपोनेंट आ जाएंगे। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, ऐसा कोई कंसीडरेशन लेबल नहीं है कि हम 100 ग्राम लेके ऐसा छांटे, बट जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, RBC। सो RBC के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रेड ब्लड सेल, शॉर्ट फॉर्म RBC, सेल्स की जगह पे अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो R का मतलब होता है रेड, B का मतलब होता है ब्लड, C का मतलब होता है कॉर्पसल्स, बट आप इन्हें सेल्स याद रख सकते हो, ठीक है, मेडिकल टर्म में कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो इनका क्या फंक्शन है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, ये एक खास तरीके का पिगमेंट कंटेन करती है हीमोग्लोबिन, दैट्स वाई जो ब्लड का कलर होता है, ह्यूमन ब्लड कलर का जो है वो रेड होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पिगमेंट। जैसे हमने क्लोरोफिल पढ़ा था तो ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर इंपार्ट करता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड कलर के पीछे का कारण कि कलर रेड ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं, ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है। एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक तरीके का खास बायोमोलिक्यूल है, और ये जो है एक स्पेशल आप कह सकते हो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड अप करके अपने साथ ले जा सकता है। तो ऑक्सीजन जो ब्लड में जा रही है, बॉडी के सेल्स तक जा रही है, वो हीमोग्लोबिन की मदद से जा रही है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो मीडियम दे रहा है वो दे रहा है ब्लड, ठीक है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, जो ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जा रहा है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करके ले जा रहा है, वो हीमोग्लोबिन होता है, राइट। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी को डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है तो उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। अब ये प्लेटलेट्स क्या होती है, ये प्लेटलेट्स भी एक तरीके की सेल्स होती है जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। जैसे आरबीसी की जो शेप है वो बीच में से पतली होती है, साइड से मोटी होती है, राइट, तो उनकी कॉन्केव टाइप की शेप मानी जाती है। प्लेटलेट जो होती है वो जिगजैग कई शेप में हो सकती है प्लेटलेट्स, ऑलराइट। और इनका जो फंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, तो क्या होता है, आपके बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, वो जहां कट लगता है थोड़ी ही देर में आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो ब्लड अपने आप सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। अब वो कैसे होता है, यही काम है प्लेटलेट्स का। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होती है तो उस इंजरी में जो ब्लड ऊज आउट हो रहा है वो बॉडी के लिए तो अच्छा नहीं ना, बॉडी तो नहीं चाहेगी हमारी कि हमारा ब्लड खत्म हो, इसलिए इमीडिएटली ब्रेन से एक सिग्नल निकलता है और एक प्रोटीन
ठीक है, जो आगे मैं आपको डिटेल में जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी डिटेल में चीजें सिखाऊंगा। तो वो जो प्रोटीन है वो आती है और वो जो है प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती है, और प्लेटलेट्स एक तरीके का क्या बनाती है, जाल बनाती है उस घाव की जगह पे, और ब्लड को क्या करती है, रोक देती है, ब्लड को जो है वो बाइंड अप कर देती है वहीं पे, और इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग इसी को कहते हैं। तो ब्लड को रोकने की प्रोसेस जब कहीं पे इंजरी होती है उसको हेल्प करती है प्लेटलेट्स। एंड देन आपके पास आती है WBC, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स मान लीजिए। दीज सेल्स फाइट यू नो अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस एंड जर्म। तो सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो WBC जो है वो आपके बॉडी के अंदर क्या है, सोल्जर है, आपकी आर्मी है जो आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करती है। अगर हमारी WBC जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, वो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस या किसी भी टाइप के जर्म जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो इनहेल करके फूड के थ्रू वाटर के थ्रू एंटर करते हैं, वो जैसे ही ब्लड में पहुंचेंगे ये व्हाइट ब्लड सेल्स उन पर अटैक करके उन्हें किल कर देगी, और इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। यानी कि WBC हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट। अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, जो ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही है, ये कारण इसके पीछे जिन लोगों को ये ज़्यादा ये वायरस जो है अटैक कर रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा खाना पीना हो सकता है, ठीक है। आज के टाइम में मेडिसिन और केमिकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनटेक होने लग गया है, पॉल्यूशन, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है या बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट फॉर दिस, राइट। सो अब दिस इज आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को ढंग से समझाऊँ ताकि आप समझ पाओ। अब आते हैं यू नो यहाँ से आपका 3 mark question, 2 marker question, 1 marker question, 5 marker question, ठीक है, मार्कर समझ रहे हो, मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से 1 number का question, 2 number का question, 3 number का और 5 number के question स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलते हैं ऐसे के ऐसे, कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है ये वही डायग्राम है जो आपके NCERT की बुक में है, ठीक है, और हम उसी को कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये डायग्राम बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे मैं कुछ ऐसी वीडियोज बताऊंगा जिसमें जितने भी हमारे साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी टेक्निक क्या है, उसकी पूरी पूरी आपको जो है समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हार्ट की बात करते हैं। हार्ट क्या है, तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ऑलराइट, एंड इट हैज 2 sides, इसके 2 हिस्से होते हैं। आप अपने पिक में अपने वीडियो में देखिए, एक तरफ ब्लूइश कलर है, एक तरफ थोड़ा सा ऑरेंज या रेडिश कलर है। तो जो ब्लू वाला रीजन है उसको क्या बोलते हैं, वीनस ब्लड वाला हिस्सा बोलते हैं, और जो रेड वाला रीजन है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मान के चलते हैं, राइट। तो हार्ट को हम अगर वर्टिकल सेक्शन में देखें तो 2 हिस्सों में मेनली डिवाइड करते हैं, 2 साइड सेपरेट होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, और ये जो सेपरेशन होता है वो मस्कुलर वॉल से होता है जिसको सेप्टम कहा जाता है। तो इट हैव 4 chambers। अब ये जो 2 साइड लेफ्ट और राइट है वो लेफ्ट में भी 2 chambers है, राइट में भी 2 chambers होते हैं, तो कुल मिला के ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हुए, 4 chambers आर देयर, राइट। तो जो राइट वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल भी पढ़ते हैं इसे, ऑलराइट। और जो लेफ्ट साइड आपका है वो आपका बढ़ा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड यू नो राइट वेंट्रिकल। तो आप मान के चलिए कि जो लेफ्ट पोर्शन है एक हार्ट का है, वर्टिकल लेंथ में अगर हम जाएं तो उसमें 2 हिस्से हैं, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो नीचे कॉर्नर बन रहा है आपके पास, अगर मैं यहां लेके जाऊं, ये देखिए, ये दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट। तो नीचे की तरफ जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं, ऊपर की तरफ एट्रियम होते हैं या ऑरिकल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हाउ हार्ट वर्क्स। अब हार्ट का जो लेबलिंग है, डायग्राम है, वो एक प्रैक्टिस का मैटर है जो आपको खुद करना चाहिए। इसके अंदर कम से कम 6 to 8 लेबलिंग्स आपको देनी चाहिए। CBSE कहता है कि जब भी कोई डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें कम से कम 6 labeling या 8 labelings के बीच की लेबलिंग्स होनी चाहिए, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके नंबर पूरे रहेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट जो आर्टरी है, ठीक है, उसे बोलते हैं एओर्टा, AORTA, एओर्टा। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एओर्टा, एओर्टा नहीं बोलने उसको, एओर्टा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो वेन होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं, वेनाकावा, वेनाकावा, ठीक है, वेनाकावा, एओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, लार्जेस्ट वेन वेनाकावा, यू कैन जस्ट कैन रिमेंबर इट, ठीक है। एंड जो वॉल लेफ्ट और राइट साइड जो है हार्ट की सेपरेट करती है उसे बोलते हैं सेप्टम। तो डिवाइडिंग वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड, दैट इज कॉल्ड द सेप्टम, ऑलराइट। एंड जो पंप करता है हार्ट, बॉडी से बाहर भेजता है, वो वेंट्रिकल्स होते हैं, और जो ब्लड को रिसीव करता है वो ऑरिकल्स होते हैं, राइट।
और इनके बीच में एक रिदम होता है कि जब ऑरिकल खुलता है तो वेंट्रिकल पंप करता है, जब वेंट्रिकल जो है खुलता है तो ऑरिकल उस टाइम पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट मैं आपको इसका डिटेल समझाऊंगा, बट उसका स्पेशल वीडियो अलग बनेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो रिविजन वीडियोज है, जिसमें यू नो एक मान लो आपने चैप्टर्स को सुना है, पढ़ा है क्लासेस में, तो आप उसको जल्दी क्विक रिविजन कैसे करेंगे। तो दिस इज समथिंग वॉट यू कैन से एक क्रैश जो है फॉर्मेट है हमारे पास कि जल्दी हम रिवाइज कर लें। तो हार्ट कैसे वर्क करता है, हाउ हार्ट वर्क्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू राइट एट्रियम। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है, ये पूरी बॉडी से वापस आता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जहां जहां हमारा ब्लड गया उसमें ऑक्सीजन थी, उस ब्लड से ऑक्सीजन को यूज किया किसने, ब्लड के सेल्स जहां पे यू नो फूड है कार्बोहाइड्रेट, और फिर वो ऑक्सीडाइज हुआ, उससे हमने एनर्जी जनरेट की, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट के रूप में थी वो सब ब्लड के थ्रू फिर कलेक्ट होकर अल्टीमेटली कहाँ पे वापस आती है, हार्ट में आती है। हार्ट के किस हिस्से में आती है, याद रखिएगा जो हाँ वहाँ पे आपको लेफ्ट दिख रहा है वो राइट है, और जो आपको पिक्चर में राइट दिख रहा है वो लेफ्ट है, क्योंकि इसको घुमा के अगर आप अपने चेस्ट पे लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ठीक है लेटरल इन्वर्जन नजर आएगा लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गॉट इट। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से कहाँ पे आता है, वापस राइट एट्रियम में आता है, विच देन पंप टू योर लंग्स, और राइट एट्रियम उसे पंप करता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल उसे कहाँ पंप करता है, लंग्स में भेजता है। लंग्स के अंदर जो ब्लड पहुंचाता है, जो आर्टरीज वहां पे काम करती है, उनको पल्मरी आर्टरी कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये वो आर्टरी है जो अपने यू नो रूल के अगेंस्ट काम कर रही है। हमेशा आर्टरी में ओटो रिच ब्लड ही फ्लो करता है, लेकिन ये जो ब्लड लेके जा रही है लंग्स में वो कैसा है, CO2 रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसीलिए इनका नाम पल्मोनरी रखा है, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, आर्टरी का एक्सेप्शन है, आर्टरी ओटो रिच ब्लड लेके जाती है लेकिन वो CO2 लेके जा रही है, गॉट इट। ध्यान रखिएगा इन बातों का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, एट्रियम विच देन पंप टू द, मैं शुरू से पढ़ता हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम विच देन पंप टू योर लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल, यानी कि लंग्स में जो है वो कौन भेज रहा है उसे, राइट वेंट्रिकल थ्रू द आर्टरीज, और वो आर्टरी का नाम अभी मैंने आपको बताया, उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। इससे पहले जो हमने सिस्टम खत्म किया रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एल्वियोलाई लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करवाती है, तो ये उसी चीज की बात यहां पे हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से बाहर निकलता है लंग्स में, और जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है वो ट्रैप करके हीमोग्लोबिन ब्लड को वापस दे देता है, और इस तरीके से वो ब्लड फिर वापस आता है। देन द ऑक्सीजनेटेड, अब वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ओटोरिच ब्लड जो है इट कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम, ये फिर से वापस अब कहां आएगा, लेफ्ट में आएगा। ध्यान दीजिएगा, राइट वाला पोर्शन पूरे का पूरा CO2 के लिए ही काम कर रहा है, पूरी बॉडी से वापस ला रहा है ब्लड को, फिर उसे वेंट्रिकल में भेज के लंग्स में भेज रहा है जहां पे वो प्योरीफाई हो रहा है, और फिर प्योरीफाई होने के बाद जो ब्लड वापस आ रहा है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आ रहा है। ऑलराइट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का जो ऊपर वाला चैंबर है उसको बोलते हैं एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम उसे वापस रिसीव करेगा किसके थ्रू, क्योंकि ब्लड लाने का काम किसका होता है, वेन्स का, तो यहां पे जो वेन्स काम कर रहे हैं वो वेन्स भी क्या कर रही है, एक्सेप्शन का रूप है यहां पे। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि वेन्स में तो हमेशा कैसा ब्लड आना चाहिए, CO2 रिच, लेकिन यहां पे जो हार्ट में जो ब्लड आ रहा है लंग से वापस वो कैसा है, उसमें ऑक्सीजन मिली हुई, तो O2 रिच है, इसीलिए इनका भी एक स्पेशल नाम हम रखते हैं, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड दे नीड टू बी यू नो अंडरस्टैंड प्रॉपरली। उसके बाद जब ये वेन्स वापस लाती है, विच देन पंप टू द बॉडी पार्ट, फिर वो आता है कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अगर आपसे कोई ये पूछता है कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, सबसे टफ वाला हिस्सा कहां पे है, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल का, इसकी वॉल भी अगर आप डायग्राम में देखोगे तो सबसे थिक मिल रही है आपको, जो रेड कलर का आपको बाउंड्री नजर आ रहा है, सबसे मोटा है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग मसल यहां पे, और सबसे ज्यादा फोर्स यहीं से लगती है, क्योंकि ये ब्लड जब बाहर निकलता है तो इतनी स्पीड से निकलता है, सोच के देखिए कि यहां से फोर्स किया गया, यहां से पंप किया गया ब्लड जो आपकी बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक पंप होता है, सो यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि दैट मस्ट बी अ वेरी हाई प्रेशर ओवर देयर। तो ये जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन बनता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम के साथ आता है, हार्ट की वर्किंग के साथ आता है, जो मैंने आपको टर्म्स बताए, पल्मरी आर्टरीज, पल्मरी वेन्स हो गया, सेप्टम हो गया, इनके एक एक नंबर के क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये डायग्राम देखें तो यहां पे भी ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, यहां पे एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हमारा जो पूरे का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम कर रहा है।
ठीक है। इसे समझने के लिए आपको मैं राइट हैंड साइड के डायग्राम में लेके जाता हूं। राइट हैंड साइड में ये डायग्राम देखिए, पूरे ह्यूमन बॉडी का एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मान के चलिए फ्लो चार्ट आपको मिल रहा है। यहां पे ऊपर की तरफ सबसे टॉप पे जो है वो लंग्स को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। टू लंग्स आर देयर, लेफ्ट लंग और राइट वन। और यहां पे जो ब्लू कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पल्मरी आर्टरीज को इंडिकेट कर रहा है, जो रेड कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है वो पल्मरी वेन्स को इंडिकेट कर रहा है। और अब आ जाओ नीचे, सेंटर में आपको हार्ट दिखाई दे रहा है जो कि पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। उसके दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड में जो आपको पाइपलाइन दिखाई दे रही है वो लेफ्ट की तरफ जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी वेन, जिसका यू नो लार्जेस्ट वेन जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेना कावा। और राइट हैंड साइड में वो लार्जेस्ट आर्टरी है जिसे हम बोलते हैं एओर्टा, एओआरटीए, एओर्टा बोलते हैं उसको, राइट। और ये नीचे ह्यूमन बॉडी को दिखाया गया है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ब्लड आ रहा है, ठीक है, रेड वाला राइट हैंड साइड से देखिए, एओर्टा के थ्रू ब्लड जब पंप हुआ और वो बॉडी के अंदर आया तो रेड कलर का यानी कि ओटो रिच ब्लड है, बॉडी के हर सेल टिश्यू में वो गया, वहां पे वो सेल्स तक पहुंचा, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे उसने फूड को ऑक्सीडाइज किया, आपको एनर्जी जनरेट करके दी एटीपी के फॉर्म में, आपने उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने काम के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर एंड एवरीथिंग के लिए किया। उसके बाद अब वो ऑक्सीजन जब उसमें खत्म हो गई तो वो ब्लड जो है CO2 को कैरी कर रहा है। अब वो CO2 जो सेल्स में जनरेट हुए वो उस ब्लड में वापस आएगी, ब्लड उसे लेके जाएगा वेना कावा के थ्रू हार्ट में, यानी कि वेन्स के थ्रू जा रहा है। ये सारी वेन्स कनेक्ट होके किस में कनेक्ट हो जाएगी, सबसे बड़ी पाइपलाइन जिसको हम वेना कावा कहते हैं। ये वेना कावा जो है वो ब्लड को कहां लेके जाएगा, ये लेके जाएगा हार्ट में। और हार्ट के कौन से हिस्से में लेके जाएगा ये, ठीक है, लेफ्ट वाला पोर्शन या राइट वाला पोर्शन, तो ये लेके जाएगा राइट, जो ब्लू पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो राइट है। अगर आप उसको उल्टा करके अपनी तरफ लगाओ तो ये राइट की तरफ ही आपको नजर आएगा, ठीक है। तो राइट पोर्शन यानी कि राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल उसे पंप कर देगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो पंप होके जा रहा है ब्लू कलर की पाइप, देखिए जिसको हम बोल रहे पल्मरी आर्टरी, पल्मरी आर्टरी उसे लेके जा रही है लंग्स में, लंग्स में ब्लू कलर धीरे धीरे दूसरी तरफ जब आ रहा है तो आप देख पा रहे हो रेड हो रहा है वो। अब रेड इसलिए हो रहा है बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का उसको इंडिकेट किया गया है कि इसमें ऑक्सीजन कैरी हो गई है और उसमें से CO2 निकल गई है जो कि लंग्स के अंदर हुआ। अब ये ऑटो रिच ब्लड वापस आ रहा है कहां पे, ये आ रहा है आपके लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट का अपर चैम्बर जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल उसे पंप कर देता है कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हार्ट का, जो हार्ट को पंप करके कहां भेज रहा है ब्लड को, पूरी बॉडी में, और किसके थ्रू भेज रहा है, सबसे बड़ी आर्टरी में, मोटी पाइपलाइन में वो भेज रहा है, उसको बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होकर आपके सिर में, पैर में, हाथों में, पैरों में, हर जगह तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दिस इज हाउ ये पूरे का पूरा सिस्टमेटिक, इसे समझिए डायग्राम। ये एग्जाम में 3 नंबर में कई बार ये प्री बोर्ड में, बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुका है, दैट्स व्हाई इट्स रियली। तो अगर आप ये डायग्राम को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको अच्छे से समझ लो, को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन, आपको कोई भी चीज क्रैम नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स में पहली टर्म हमारे पास है आर्टरी, दूसरी है वेन्स और तीसरी है कैपिलरीज। इनके बीच में तीनों में डिफरेंस आ सकता है, इनके फंक्शन आ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। तो दे नीड टू बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो आर्टरीज के बारे में, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड यानी कि ओटो रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू यू नो बॉडी पार्ट एक्सेप्ट द पल्मरी आर्टरी। ध्यान से देखिए, पल्मरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सारी आर्टरीज क्या करती है, ओटो रिच ब्लड कैरी करती है हार्ट से और बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचाती है। दीज आर थिक, ये थिक वॉल होती है क्योंकि इसमें से बहुत प्रेशर में ब्लड जा रहा है, तो अगर इसकी वॉल थिक नहीं होगी तो ये बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और फिर समझ सकते हो आप क्या होगा किसी के भी साथ, ठीक है। इलास्टिक होती है कि अगर प्रेशर बढ़े भी तो ये खिंच जाएगी रबर बैंड की तरह, ठीक है, और बर्स्ट नहीं होगी। सो स्मॉलेस्ट जो वेसल्स होती है विच आर वन सेल थिक होती है उनको बोलते हैं कैपिलरीज। याद रखिएगा 3 टाइप की ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स, और सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली जो एक सेल, एक जो सेल की थिकनेस होती है उस साइज की होती है उनको बोलते हैं कैपिलरीज। जो हमने यू नो एल्वियोलाई पढ़ी थी तो एल्वियोलाई के ऊपर जो कवरिंग है वो कैपिलरीज की ही होती है, ठीक है। अब वेन्स के बारे में बताता हूं आपको। वेन्स जो है दे कैरी डीऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो बॉडी ने ब्लड यूज किया उसमें से ऑक्सीजन का यूज हुआ और फिर फूड ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी मिली, अब उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाया गया है ब्लड के थ्रू कहां पे, हार्ट के राइट पार्ट में, और राइट पार्ट से वो फिर राइट पार्ट के लोअर चैंबर में वेंट्रिकल में जाता है, जहां से वो लंग्स में फिर प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। बस याद रखना कि यहां पे भी एक एक्सेप्शन है और वो है पल्मरी वेन। पल्मरी वेन जो है वो हार्ट से ब्लड को यानी कि कौन से जो आपका राइट पोर्शन है वहां से ब्लड को लंग्स में लेके जाती हो, तो
वेंस का फंक्शन क्या होता है, वेंस का फंक्शन हमने पढ़ा था ठीक है कि वो जनरली जो है CO2 रिच ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ से जो लंग से वापस वो हार्ट में लेके आ रही है, लेफ्ट पार्ट में लेके आ रही है, वो कैसा लेके आ रही है, O2 रिच ब्लड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये थिन होती है और लेस इलास्टिक बिकॉज इनमें प्रेशर नहीं होता, ये चीज़ों को ये धीरे धीरे वापस ला रही है, इनमें किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो आई थिंक ये मेरी क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो बच रहा हुआ है लिम्फ, इसके ऊपर भी काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में देखने को मिलते हैं। लिम्फ क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ यू नो ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसे, वी कॉल इट टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड क्या चीज होती है, यू नो ये मान के चलिए जैसे हमारे घर में पाइपलाइन होती है, ए टंकी से पाइप आ रही है, वो पाइप किचन में भी जा रही है, आपके वॉशरूम में भी जा रही है, आपके वॉश बेसिन पे भी जा रही है, हर जगह जा रही है। तो कई बार जब पानी टूटी के थ्रू आता है या ऊपर टंकी से पानी नीचे आता है तो कई कुछ जगहों पे वो लीक होती है और वो पानी टपकता है वहां। बिल्कुल ऐसे ही मान के चलिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो तीन टाइप की ब्लड वेसल्स है, जिसमें हमने आर्टरीज पढ़ी, वेन्स पढ़ी, कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी की सारी ब्लड को अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी में भेज रही है। जब वो ब्लड एंटर होता है कहाँ पे, सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, तो कुछ हिस्सा उसमें से रिस जाता है लिक्विड के फॉर्म में, जो प्लाज्मा जैसे फॉर्म में होता है, और वो इकट्ठा हो जाता है सेल्स या टिश्यू के आसपास। तो उस लिक्विड को, उस रिसे हुए पार्ट को, जैसे लीक हुआ पाइप में से पानी तो साइड में गिर गया, वैसे ही वो जो ब्लड का हिस्सा था वो थोड़ा बहुत उसका लीक होके टिश्यूज में या सेल्स में कलेक्ट हो जाता है इधर उधर उसके बाहर की तरफ, और राइट उसे हम लिम्फ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो इसका एक और नाम मैंने आपको क्या बताया, टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के ठीक है इर्द गिर्द इकट्ठा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड एज वेल, और लिम्फ भी कहते हैं। तो इसका एक पूरा सिस्टम है, इसकी भी पूरी की पूरी लिम्फेटिक सेल्स है हमारे अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स है जो लिम्फ को इकट्ठा करती है टिश्यू में से और फिर उसे वापस ला के कहां भेजती है, उनको वापस हार्ट में पहुंचाती है। तो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, जो कैपिलरी जो बहुत फाइन होती है उसमें छोटी छोटी पोर्स होती है, जैसे सेल के अंदर छोटे पोर्स होते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कई बार कुछ प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड की सेल जो है वो एस्केप होके इंटरसेलुलर स्पेस, क्या होता है ये आपके लिए नया आटा में, इसीलिए मैंने क्या बताया टिश्यू और सेल्स के बीच का जो गैप होता है उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है उसी को इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, एक्चुअली इंटरसेलुलर, सॉरी फॉर द इंट्रा, इट इज इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्ब। तो वहीं पे वो जो लिक्विड इकट्ठा होता है उसी को लिम्फ कहते हैं। इसका फंक्शन आपसे कई बार ही आता है कि होता क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला, इट इज कलरलेस, ये इसका कैरेक्टर है, पानी जैसा होता है, ऑलराइट। सेकंड पॉइंट आप इसका मेमोराइज कर सकते हैं, लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को, कहां से, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ था, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल में या ह्यूमन में ये बात पढ़ी है इससे पहले वाले लेक्चर में, राइट। तो वो लिम्फ जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है फैट को इंटेस्टाइन से तो उसको वो इकट्ठा करके कहां भेजता है, ठीक है, ब्लड में पहुंचाता है, यानी कि हार्ट तक पहुंचाता है, और फिर हार्ट उसे पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, इस तरीके से, ठीक है, इट्स फंक्शन कैन बी अंडरस्टैंड। एंड इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, एक्सेस मतलब ज्यादा, जहां पे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि हमारे टिश्यू कुछ जगह पे जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव अगर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वहां से उस चीज को वो निकाल के उसे वापस ब्लड स्ट्रीम तक लाता है। तो दिस इज द वे विच दैट यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड। तो ये था लिम्फ के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो अगला टॉपिक हमारा प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट के अंदर 9th क्लास के अंदर जो हमारा टिश्यू चैप्टर है उसमें जाइलम और फ्लोएम, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू के नाम से जानते हैं, वो ये, ठीक है, यहाँ पे मैं उन्हीं को पढ़ना, इनके कई बार इनमें डिफरेंस आ जाते हैं, तो इसको इसी तरीके से नोट्स भी हमने बनाए हैं कि आप इसको डिफरेंस के सेंस में समझ सके। तो जाइलम, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड, रूट से पानी को और मिनरल्स को खींच कर ऊपर प्लांट तक भेजना, लीफ तक भेजना, जहां पे वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा, ये काम जाइलम करता है। फ्लोएम, ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, चार टाइप के डिफरेंट जो है एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है, ये फूड को जो है वो लीव से प्लांट के दूसरे, जब फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में तो जो फूड लीफ में बनता है, लीफ से उसे सारे हिस्सों में भेजने का काम फ्लोएम का है। फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है। जाइलम के अगले पॉइंट पे आए तो इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही लिक्विड को, पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, डाउन में नहीं कर सकता है। व्हाट फ्लोएम क्या करता है, इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड
एज वेल एज डाउनवर्ड, ये फूड को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में भेज सकता है, राइट। जाइलम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन, जो जाइलम है वो ट्रांसपीरेशन के बेसिस पे काम करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, सबसे नीचे एक हेडिंग दी गई है ट्रांसपीरेशन, तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, पानी बहाव बन के स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है और एटमोस्फेयर में चला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से जुड़ा हुआ टर्म है। ट्रांसलोकेशन के लिए नीचे देखिए राइट हैंड साइड में फ्लोएम का लास्ट पॉइंट देखिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तीन ये ऐसे टर्म्स है जो काफी मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूज करते हैं। तो ट्रांसपीरेशन मतलब स्टोमेटा के थ्रू पानी भाप बन के उड़ना, उसे ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ट्रांस लोकेशन क्या हुआ, जो फूड फोटोसिंथेसिस में बना लीफ के अंदर, लीफ से उसे फ्लोएम के थ्रू प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाना। हर हिस्से में का मतलब क्या है, ब्रांच में, फ्लावर में, रूट्स में, फ्रूट में, हर जगह तक, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया द सिस्टम कि किस तरीके से लिविंग के अंदर जो फूड है, वाटर है, वेस्ट है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं या लाए ले जाए जाते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। सो यहां पे ये क्लियर हो गया होगा आपको, होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी सारी बातें। अब अगला जो लास्ट का टॉपिक हमारे पास है वो एक्सक्रीशन का है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन का डिटेल में अब आपको बताऊंगा, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और होप करते हैं कि आप उसको समझोगे। और ये चैप्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड, आप देख पा रहे हो कि कितना टाइम मुझे, कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, और ये तब जब रिवीजन बना रहा हूं। अब इसी की सीरीज जब आपको पूरा चैप्टर में थोरोली कराऊंगा तो सोच के देखिए, दिस चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स क्वाइट हार्ड, हार्डवर्क चाहिए आपको इसका, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ओके। अब हमारे पास लास्ट सिस्टम रह गया इसका, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इससे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर जस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी हैव टू रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द मीन्स ऑफ स्पेशल सिस्टम्स ओवर देयर विच इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट एंड इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आर बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज वॉट वी कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, जो भी हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ऑलराइट। फिर वो फूड यूज कैसे कर रही है बॉडी, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। और ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का जो सम होता है, यानी कि जितनी भी टाइप की कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एनाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती है, उनको कंबाइंडली हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो वॉट इज मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल द कैटाबॉलिक एंड यू नो एनाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ध्यान से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस थोड़ा सा लॉजिकल समझो इसका और मीनिंग को समझने की कोशिश करो। तो एक्सक्रीशन के अंदर हमें पूरा एक्सक्यूटिव सिस्टम पढ़ना है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किडनी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं, जो डाइजेशन होता है, आपको पता है जब डाइजेस्ट करता है हमारा फूड, डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, जो हमने यू नो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में पढ़ा था, उसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन इकट्ठा करता है, फिर उसे स्टोर कर देता है रेक्टम में, और रेक्टम से वो एनस के थ्रू बॉडी बाहर निकालती है। एक वो पार्ट है, वो भी एक्सक्रीशन में आएगा। देन रेस्पिरेटरी वेस्ट, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी यूज करती है, ठीक है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी, ऑलराइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वहां पे रेस्पिरेटरी वेस्ट जो प्रोड्यूस होते थे वो दो होते, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है कार्बोनेट्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लंग्स के थ्रू बाहर आता है, और कार्बोनेट्स कैसे निकलते हैं वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। और एक तीसरे टाइप के जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि यूरिया के फॉर्म में होते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में होते हैं और वाटर के फॉर्म में होते हैं। तो वाटर के फॉर्म में चीज कैसे निकलती है, आपने यू नो आपका
पसीना निकलता है जनरली गर्मियों में। आपने देखा होगा जब गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से जो पानी निकलने लगता है बॉडी के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग जगह से, सरफेस ऑफ द स्किन पे आपको देखने को मिलता है, तो उसको स्वैट बोलते हैं। तो स्वैट जो है वो उसमें अगर हम उसका टेस्ट देखें तो नमकीन टेस्ट का होता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट बॉडी बाहर निकालती है। ठीक है, यूरिया, यूरिया जो है वो किडनी फिल्टर करके बाहर निकालती है, यूरिक एसिड भी उसी तरीके से बाहर निकलता है। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यही नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्लांट के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, लेकिन ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर पॉइजन है, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो अब ह्यूमन एक्सक्यूटिव सिस्टम का मैं डिटेल समझा देता हूं। ये डायग्राम आप देखिए, डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस आपको ड्रॉ करने की करनी चाहिए। जब तक आप देख के कर सकते हो देख के करें, फिर बिना देखे ट्राई करें। और लेबलिंग के लिए एज आई टोल्ड यू कि मिनिमम आपको 6 लेबलिंग देनी चाहिए पूरे नंबर अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो इसमें राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये जो आपको ब्राउन कलर की लेफ्ट और राइट साइड में जो है बीन शेप के 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इन ऑर्गन को कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी, हिंदी में इन्हें गुर्दे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, एक रेड कलर की और दूसरी ब्लू कलर की। रेड कलर की जो है वो आर्टरी वाला पाथ है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, एओर्टा, बिकॉज ये आर्टरी से कनेक्टेड है, यानी कि आर्टरीज में ओटोरिच ब्लड आ रहा है। और वेना कावा ये वेन का पार्ट है, ये एक तरीके की वेन है जो क्या लेके आ रही है, CO2 वाला वेस्ट प्रोडक्ट वाला फूड, सॉरी फूड नहीं, ठीक है, ब्लड लेके आ रही हो एक्चुअली देयर, राइट। सो इन्हें जब ये किडनी में एंटर करती है तो रेड वाले को हम बोलते हैं रेनल आर्टरी। ध्यान से सुनना इस बात को, रेनल आर्टरी। जो रेड कलर है एओर्टा वाली आर्टरी वाला जो पार्ट होता है जो एंटर करता है किडनी में, उसे बोलते हैं रेनल आर्टरी। राइट, और जो ब्लू कलर का पोर्शन आप देख पा रहे हो, ब्लू कलर की जो पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है, जो वेसल्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो CO2 रिच वाला पोर्शन ब्लड कैरी कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेनल वेन। ये दोनों लेबलिंग समझ में आ गई। अब यहां से 2 पाइप निकलती है, 2, ठीक है, लेफ्ट और राइट में आप बिल्कुल फाइन सी येलोइश कलर की जो है 2 पाइपलाइन देख पा रहे हो, एक्चुअली 2 वेसल्स देख पा रहे हो, इनको यूरेटर कहा जाता है। और ये यूरेटर आके कहां कनेक्ट होती है, एक ब्लैडर में कनेक्ट होती है, इस ब्लैडर को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो कुल मिला के इसमें ये लेबलिंग है और ये नाम है, इन्हें आपको क्लियर रखना है। ह्यूमन एक्सक्यूटिव सिस्टम का अगर मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं आपको तो ये क्वेश्चन कई फॉर्म में आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन या एक्सप्लेन हाउ द एक्सक्यूटिव सिस्टम वर्क्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे कवर हो जाएगी। तो हमारे नोट्स बताते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यानी कि ह्यूमन एक्सक्यूटिव सिस्टम 2 किडनी, 2 यूरेटर्स और राइट, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा जो यूरिन के रास्ते से कनेक्ट होके यूरिन को बाहर निकालता है बॉडी से। तो दीज आर द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कितने ऑर्गन से? 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ऑलराइट, किडनी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि दे आर द बीन शेप ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन इज टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट। इनका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल या पॉइजनस हो सकता है, उसको फिल्टर आउट करके कहां भेजना, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक भेजना होता है। तो यूरेटर क्या करते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक समझ लीजिए, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फिल्टर हो रहा है किडनी के अंदर, उसे वो ड्रेन करके, ठीक है, एक्चुअली अब क्या चीज ड्रेन कर रहे हैं, जो लिक्विड बन रहा है उसे कहते हैं यूरिन। वो किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर की भी एक खासियत है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सकता है। तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 1.5 कह सकते हो, यानी कि 1 से 1.5 लीटर तक का यूरिन स्टोर कर सकता है। ऑलराइट, और जैसे वो भरने लगता है तो ब्रेन से एक जो न्यूरॉन है वो उससे कनेक्ट होता है, तो भरने के बाद वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को और ब्रेन फिर हमें एक अर्ज पैदा करवाता है। अर्ज का मतलब एक एहसास होता है कि वी हैव टू यूरिनेट, और फिर आप वॉशरूम जाके यूरिनेट करके उस ब्लैडर को खाली कर देते हो। तो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन सिंपल है, इट स्टोर द यूरिन, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर करना। एंड जो यूरेथ्रा है वो उस यूरिन को जो है बॉडी से बाहर निकालता है बाय द व्हाट यू कैन से, जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें आगे जाके मेल और फीमेल में डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में आपको समझाए जाएंगे। तो यूरेथ्रा जो है वो एक ओपनिंग होती है हमारी बॉडी की, उसके थ्रू बाहर निकाल देता है। तो किडनी हैव ए फिल्ट्रेशन यूनिट, दैट व्हाट वी कॉल नेफ्रॉन। 1 मार्कर क्वेश्चन MCQ में डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि डिफाइन नेफ्रॉन। तो आप कह सकते हो नेफ्रॉन्स आर, या नेफ्रॉन इज द फंक्शनल
यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन विच इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द किडनी, और एक किडनी के अंदर लगभग 18,000 नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट शुड बी अंडरस्टैंड. तो किडनी आर नथिंग बट द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, नहीं सॉरी आई एम गोइंग रॉन्ग वे, नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी. गॉट माई पॉइंट? तो ये कुछ बातें ध्यान देने वाली है आपको, ठीक है. ये पूरे का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने ब्रीफ कर दिया है आपको, ऑलराइट. और ये आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि नेफ्रॉन के बारे में है. तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन के क्या फंक्शन है, और नेफ्रॉन का जो डायग्राम है वो ये आपके सामने है, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एग्जैक्टली वही है. और ये डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में इसे ट्राई कर सकते हो. इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, लेबलिंग पे आते हैं, तो रेनल आर्टरी कौन सी है जो O2 रिच ब्लड को लेके आ रही है, ये कहां पे, किडनी के अंदर. किडनी के अंदर ऐसे ये जो आपको एक सिंगल जो डायग्राम या नेफ्रॉन का दिखा रखा है, ये ऐसे कितने 18,000 जो है एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं. यहां पे सिर्फ एनलार्ज करके समझने और समझाने के लिए ऐसा किया गया है. और ये अंदर एक कप जैसा जो आपको पार्ट नजर आ रहा है जिसके अंदर ये रेनल आर्टरी एंटर कर रही है, उसे बोलते हैं वोमैन कैप्सूल. क्या बोलते हैं? वोमैन कैप्सूल बोलते हैं उसके. और इसके अंदर ये जो बंच होता है इन रेनल आर्टरी का, वहां पे फिल्टरिंग प्रोसेस शुरू होती है. तो ब्लड एंटर कर रहा है, वहां से ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया है, व्हाटएवर, वो फिल्टर होके अलग हो रहा है. और अलग होने के बाद कहां जा रहा है, ये येलो वाला जो पूरा पीछे आपका इसका आपको दिख रहा है एक्सटेंशन दिख रहा है, पाइपलाइन जो मुड़ी तुड़ी दिख रही है, उसमें एंटर कर रहा है. और उसमें से एंटर करके ये नीचे आके और फिल्टर हो रहा है. इसमें भी क्या होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, तो एक तो रेड कलर की आपको इसमें जो है वेसल नजर आ रही है, और एक ब्लू कलर की. तो जो ब्लू वाली है वो रेनल वेन है. इसका फंक्शन है कि जो भी वेस्ट चीजें हैं, ठीक है, CO2, वो वहां से निकाल लेगी, ताकि उसे दोबारा से लंग्स तक पहुंचा के बाहर निकाल दे, राइट. क्योंकि आपको पता है वेन का मेन फंक्शन CO2 को कलेक्ट करके वापस आने का होता है ब्लड के साथ, राइट. और कैपिलरी जो फिल्टरिंग करेगी, जो भी यूजुअल चीजें होती है, अगर वो फिल्ट्रेशन में निकल गई है तो वापस रीअब्जॉर्ब करेगी उसे. और नीचे जो ये आपको यू शेप का लूप दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हेनल्स लूप, HANLE'S, हेनल्स लूप कहते हैं. और ये जो आपको एक साइड में आपको एक ट्री की तरह ब्रांच कट दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द, ठीक है, डॉट, DOUT, ठीक है, DUOT, डॉट कहते हैं, ठीक है. बिकॉज ये ब्रांचिंग है, ये आगे जब बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो इसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा. तो नेफ्रॉन के बारे में जो नोट्स हमारे कहते हैं वो बताते हैं कि नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी. किडनी के अंदर जो छोटी छोटी यूनिट्स है जो कि थाउजेंड्स में होती है, उनको नेफ्रॉन कहते हैं. एंड यू नो इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू द डक्ट एंड द कप शेप जो स्ट्रक्चर होता है, दैट आई जस्ट टोल्ड यू कि उसे हम कहते हैं वोमैन कैप्सूल. आप पिक्चर को देखिए, आप डायग्राम को देखिए, डायग्राम से आपको पूरी स्टेटमेंट समझ में आएगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. इस कप शेप के अंदर रेनल आर्टरी एंटर करती है, वहां पे अंदर जाके वो ब्रांचिंग में सब डिवाइड होती है, और वहां पे एक फिल्टरिंग यूनिट काम करती है. और वो फिल्टरिंग यूनिट क्या करती है, यूरिन को अलग कर देती है और ब्लड को प्योरीफाई करके वापस निकाल के जो है बॉडी के अंदर भेजती है. और फिर वो कनेक्ट हो जाता है रेनल वेन से, और ब्लड लेके जाती है रेनल वेन कहां पे, हार्ट में. हार्ट के कौन से हिस्से में, राइट वाले पोर्शन में. राइट से वो फिर जाएगा लंग्स के अंदर, जहां प्योरीफाई होके उसमें O2 कनेक्ट हो जाएगा वापस, और CO2 निकल जाएगा, और फिर वापस आएगा वो लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट हार्ट से पंप होके फिर से बॉडी में जाएगा. तो ये इस तरीके का एक पूरे का पूरा इसका एक सर्कल या साइक्लिक प्रोसेस इसकी आपको देखने को मिलती है. दैट इज वोमैन कैप्सूल की बात कर रहे हैं. तो वोमैन कैप्सूल है, इट फिल्टर. इसका फंक्शन अगर पूछा जाता है वोमैन कैप्सूल का फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे वोमैन कैप्सूल फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट द यूरिन. यूरिन को अलग करता है ब्लड में से, ठीक है. हेनल्स लूप जो नीचे यू शेप में आपको दिखाई दे रहा है, उसका क्या फंक्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर. अगर, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के साथ कुछ ग्लूकोज, एमिनो एसिड या वाटर एक्सेसिवली चला गया, तो उसको वापस एब्जॉर्ब करके बॉडी के लायक बॉडी में वापस भेजता है. तो ये मतलब आप कह सकते हो फाइनल जो है वो चेकआउट करता है वहां पे. उसके बाद देन द यूरिन जो है वो यूरेटर में एंटर करता है डक्ट्स के थ्रू, और फिर ये जो डक्ट्स होती है, डक्ट है नीचे जो आपको दिखाई दे रही है, DUCT, डक्ट, ठीक है. डक्ट मतलब जस्ट ब्रांचिंग, जहां से वो अल्टीमेटली फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा. इट कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो बॉडी उसे बाहर निकाल देती है यूरिन को. दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है एक्सक्यूटिव सिस्टम काम करता है, किस तरीके से जो है वो हमारा बॉडी का हिस्सा जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने थे, आप समझ गए होंगे होपफुली, ठीक है, क्लेरिफाई हो गया होगा चीजों को लेके, ठीक है. सो यहां पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. और अगर मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपसे
इतनी एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके और मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए जो है वो इंस्पिरेशन मिल सके, प्रेरणा मिले। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आप मुझे इंस्पायर कर सकते हो लाइक करके, ठीक है, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। सो बदले में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ और आपके लिए बहुत कुछ तैयार करने के लिए बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है। सो आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर नंबर 6 था बायोलॉजी का, ठीक है, क्लास 10th का, वो हमने कंप्लीट कर दिया। ये एक क्विक रिवीजन था, इसका थोरो डिटेल आपको बाकी पूरी की पूरी सीरीज में इस चैप्टर की बनाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप डूइंग सेम फॉर मी अगेन एंड अगेन। थैंक यू।